चैनल मैं आज अब सबके लिए लेके आया हूँ अंगोरा रैबिट। तो मेरे पास अभी बहुत जॉइंट में अंगोरा रैबिट आए हुए हैं, इस वजह से मैं बताना चाहूंगा और इनका डाइट, इनका लिविंग, ये सब मैं बताना चाहूंगा और इनके ब्रीडिंग के बारे में भी मैं बता दूंगा, ताकि जो इन फ्यूचर इनको ब्रीड करना चाहते हैं वो आपको कंफर्टेबल रहे। और मैं बाकी जो भी इनके बारे में रिक्वायरमेंट रहेगा वो सब बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप करने से कोई मतलब नहीं है, अगर जो एनिमल लवर है तो प्लीज़ इसको पूरा वीडियो देख सकते हैं और बाकी जो लोग हैं वो भी इसको देख के सीख सकते हैं। तो ये है अंगोरा रैबिट। तो मैं इनका ब्रीडिंग प्रोसीजर ये सब बताऊंगा और ये बिलोंग करते हैं कोलंबिया जॉइंट अंगोरा रैबिट बोलते हैं इनको। और क्योंकि जॉइंट इनका साइज में आप देख सकते हैं, मेरे पास 3-4 रैबिट नहीं, बस एक ही रैबिट है। आप देख सकते हैं हाथ में एक ही रैबिट है जो जॉइंट साइज में दिख रहा है, बिकॉज ये बहुत जॉइंट होते हैं और बड़े होते हैं एक्चुअल में। अभी तो ये बहुत छोटे हैं, लगभग इनको आप 8 महीने या फिर 1 साल का बता सकते हैं। ये 2 साल से 2.5 साल तक ये अंगोरा रैबिट बढ़ते हैं और इनका जो ब्रीडिंग सीजन रहता है ये एवरी 6 मंथ या फिर एवरी 4 मंथ्स में ब्रीड कर लेते हैं। अगर इनको आप हेल्दी फूड दे रहे हैं, अच्छा फूड दे रहे हैं इनको, तो एवरी 4 मंथ्स में ये ब्रीड कर लेंगे। मानो आप 1 साल में इनकी 3 बार ब्रीड निकाल सकते हो और इनके बच्चे वगैरह जो हैं वो बहुत अच्छा, बहुत जल्दी ब्रीड हो जाते हैं और सारे बड़े हो जाते हैं। और इनका जो इजी डाइट है वो रैबिट फूड जो रेडीमेड मिलता है वो रैबिट फूड आप दे सकते हैं। और इनके लिए कैरेट, कैबेज या फिर इनका जो रेगुलर फूड आता है वो फूड दे सकते हो। ग्रास वगैरह जो नेचुरल ग्रास आती है उसको कभी भी इनको जब यूज करने के टाइम बिफोर यूज इसको वॉश करके खिलाइए, ताकि इनका भी हेल्थ अच्छा रहे और आपका भी हेल्थ अच्छा रहे। बिकॉज आप सबको पता है जो बाहर अभी कोरोना वायरस से चल रहा है, इस वजह से बहुत केयरफुल चलना पड़ता है एनिमल्स को भी लेके और आपके हेल्थ को भी लेके। और मेरे पास अभी जो रैबिट है ये इसमें 2-3 कलर में अवेलेबल है। मैं अभी व्हाइट बता रहा हूँ बिकॉज व्हाइट ये बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, और दूसरा कलर जो आता है वो ब्लू ब्लैक फेस आता है, और एक और आता है फुल ग्रे, और दूसरा कलर आता है इसमें ब्राउनिश कलर में आता है, लेकिन ब्राउनिश कलर बहुत रेयर है। अभी जो मैं बाकी 3 कलर बोल रहा हूँ वो 3 कलर मेरे पास अवेलेबल में मिल जाएंगे। और मेरा बाकी दूसरे जो नॉर्मल रैबिट्स आते हैं, गिनी पिग्स आते हैं, वो भी मेरे पास मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन वगैरह में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, और अगर कोई बेंगलुरु में है तो प्लीज़ हमारे शॉप पे आके विजिट कर सकते हैं। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि रैबिट का फूड है, रैबिट केजेस है, और इनके लिए जो टॉयज चाहिए वो टॉयज भी मिल जाएंगे, और इनका फूड वगैरह इधर ही मिल जाएगा आपको। और अगर बाहर हुआ, आउट ऑफ बेंगलुरु हो, तो उधर आपको ऑल ओवर इंडिया डिलीवर हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन सिटी, जो मेन सिटी है वही सिटी पे ये होगा। तो जिधर पे हमारा मेन रूट रहेगा, जैसे कि डायरेक्ट रूट, उधर पे हम लोग डिलीवर करा देंगे। हमारे को आप कॉल करके बता सकते हैं कि आपका स्टेट कौन सा है या फिर आपका गांव कौन सा है। हमारा अगर डायरेक्ट रूट है तो बहुत सारे रूट ऐसे भी हैं जिधर पे ट्रांसपोर्ट नहीं है, फिर भी हम लोग डिलीवरी दे देते हैं। बहुत सारे वैसे रूट भी हैं, और आपको सब एनिमल्स या फिर रिगार्डिंग रैबिट ही नहीं, बहुत सारे एनिमल्स हैं मेरे पास, जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, फिशेस हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। तो अगर किसी को चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नियर बाय बेंगलुरु या कर्नाटका में कोई है तो शॉप पे विजिट कर सकता है। हमारा मेंटेनेंस कैसा है ये भी देख सकते हैं और आप। और बाकी जो अगर किसी को नया अपडेट चाहिए होगा तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके दोस्त वगैरह भी इसको देख सकें। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर कोई अंगोरा रैबिट का हॉबीस्ट है तो बहुत ब्यूटीफुल अंगोरा है। आप इसका साइज देख सकते हैं, बहुत ही बहुत ब्यूटीफुल अंगोरा रैबिट है।
आप इसके कान वगैरह देख सकते हैं, कान पे भी बाल हैं, एकदम अच्छी क्वालिटी में, नंबर वन क्वालिटी में अंगोरा रैबिट मेरे पास आए हुए हैं। और इसका फेस भी आप देख सकते हैं, एकदम गोट या बकरे के साइज में है, ये छोटा जो बकरे आता है 6 या 8 महीने का, उस साइज में अंगोरा रैबिट है अभी। और ऑल ओवर इंडिया तो हम लोग डिलीवरी कर देते हैं, बाकी अगर किसी को दूसरा स्टॉक चाहिए तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस, हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। तो थैंक यू, गुड बाय।